नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। सो वाटर साइंस के लिए रीडिंग है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, आपकी लव लाइफ से जुड़े गाइडिंग मैसेजेस, लव एडवाइसेस, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और आपका रिलेशनशिप के फ्यूचर क्या है, राइट, किस डायरेक्शन में आपका रिलेशनशिप जो है वो जा रहा है। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहां से आप देख सकते हो कि आपकी राशि के लिए कितने मिनट और कितने सेकंड पर ये रीडिंग शुरू होने वाली है। सन मून और राइजिंग जैसे भी आप अपना जोडियक साइन फॉलो करते हो, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करता है, उसी हिसाब से आपको अपनी राशि जो है वो चूज करनी है। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग कैंसर के साथ। हेलो कैंसेरियन पीपल, दिस इज गोइंग टू बी द रीडिंग फॉर यू। एंड सबसे पहले लवर्स और एकल डेक में से आई विल टेक आउट सम एडवाइसेस फॉर योर रिलेशनशिप। आपकी लव लाइफ से जुड़े मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से क्या है फॉर कैंसर सन मून और राइजिंग। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड, दिस इज व्हाट द कार्ड लुक्स लाइक। एंड यहाँ पे जो मैसेज आया है आपके लिए वो है पावर का। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. All right? दो कार्ड्स मैं और निकालूंगी इसी डेक से फॉर कैंसेरियन पीपल, फॉर कैंसर सन मून एंड राइजिंग। ओके, दिस इज द सेकेंड कार्ड एंड यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए वो है डोंट मेक decisions बेस्ड ऑन guilt. गिल्ट में आके कोई फैसला नहीं लेना है और what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. All right? And एक message और spirit की तरफ से for Cancerian people, for Cancer sun, moon, rising. Okay, I'll take this card. This is what the card looks like. And यहाँ पे message भी आपका कुछ ऐसा ही है, passion. A magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Okay, let's see. और क्या messages हैं Cancerian के लिए from romance angels for your love life. Current energy of your love life अभी क्या चल रहा है? For Cancer sun moon rising. Okay, so the first card is soulmate. कैंसेरियन पीपल, यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट, अपने सोलमेट के साथ इस वक्त आप रिलेशनशिप में हो या उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। प्रॉबेबली जिनका थॉट इस वक्त आपके मन में है वो आपके सोलमेट हैं एंड काफी लंबा कनेक्शन ये आपका उनके साथ में रहने वाला है। देन वी हैव एक्सप्रेस योर लव, सो प्रॉबेबली स्पिरिट चाहती है कि आप और ज्यादा एक्सप्रेसिव बने, अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा एक्सप्रेस करें अपने पार्टनर के टुवर्ड्स। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। प्रॉबेबली कुछ ऐसा है जो आप बहुत टाइम से करने के बारे में सोच रहे हो या बोलने के बारे में सोच रहे हो, सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, यू शुड गो फॉर इट। एंड देन यू हैव अट्रैक्शन, राइट। यहाँ पे जो मैसेज लिखा है कैंसेरियन आपके लिए वो है यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। सो दिस इज लाइक अ गाइडिंग मैसेज फॉर यू एंड लेट्स सी नियर फ्यूचर की क्या एनर्जीज आ रही है फॉर कैंसेरियन सन मून एंड राइजिंग। नियर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, नियर फ्यूचर ऑफ लव लाइफ फॉर कैंसेरियन सन मून एंड राइजिंग। ओके, जर्नी बाय मून लाइट, बिलीव इन मैजिक। अगर कुछ ऐसा चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको लेके आप कम्प्लीटली होपलेस हो गए हो, देन यू शुड टोटली ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। कभी भी सिचुएशन बदल सकती है, कुछ मैजिक कभी भी हो सकता है। ओके, एंड देन यू हैव व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर। प्रोबेबली किसी एक एस्पेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो और काफी सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हो, सिर्फ अपने रिलेशनशिप के एक ही एस्पेक्ट के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, ठीक है। तो फ्यूचर को बेटर करने के लिए ऑफ कोर्स अभी से आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करने की जरूरत है। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना बंद करना है। एंड देन यू हैव इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। सी, दिस इज फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो अभी जिस तरीके के थॉट्स प्रोबेबली कैंसेरियन आपके मन में आ रहे हैं अपने इस करंट रिलेशनशिप को लेके या करंट पार्टनर को लेके,
अगर उसमें जरा सी भी कुछ नेगेटिविटी है तो ये रिलेशनशिप हो सकता है कि आगे जाके कुछ ट्रबल्स या कुछ स्ट्रगल्स आपको इस रिलेशनशिप में फेस करनी पड़े। तो अपनी एनर्जी को आपको रीडायरेक्ट करना है पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में लेके आने हैं एंड नेगेटिविटी को इग्नोर करना है। राइट, लेट्स सी कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपको लेके क्या है, किस तरीके के थॉट्स इनके मन में आए हैं जब भी इन्होंने लास्ट टाइम आपके बारे में सोचा है, इनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके बारे में क्या है। ओके, मेरे बस में कुछ नहीं है। प्रॉबेबली आपके पार्टनर जो है उनको ऐसा लग रहा है कि अभी करंट सिचुएशन जो भी चल रही है, ही और शी इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट, बट ऑफ कोर्स लव इज हियर। ठीक है, इमोशनल कनेक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन यू टू, मुझे कुछ महसूस ही नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। प्रॉबेबली कुछ ऐसा रफ पैच है अभी आपके रिलेशनशिप में, टेम्पररी है बट थोड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है यहाँ पे। काश ऐसा ना हुआ होता, कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में जिसको लेके ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होता तो प्रॉबेबली इट वुड हैव बीन बेटर। एंड देन यू हैव मैं भुला नहीं पा रहा हूँ या मैं भुला नहीं पा रही हूँ। ओके, सो प्रॉबेबली कुछ कपल्स हैं यहाँ पे, कुछ कैंसेरियंस हैं जो कि सेपरेशन में चल रहे हैं या आप लोगों के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है एंड आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अभी करंट सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है। वो प्यार तो करते हैं, ऑफकोर्स आपकी केयर करते हैं, बट थोड़ा सा अपनी फीलिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ को लेके या रिसेंट पास्ट में अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसका अफसोस है, उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था एंड भूलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वो भुला नहीं पा रहे हैं। समथिंग इज देयर, लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में एंड देन आपके लिए गाइडिंग मैसेज भी निकालेंगे मूनोलॉजी डेक से। करंट फीलिंग्स, ओके, ऑलराइट, आई विल टेक दिस कार्ड। एट ऑफ सॉर्ड्स, ऑफ कोर्स स्टक फील कर रहे हैं, सेम वही एनर्जी है कैंसेरियन, मेरे बस में कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इज द सेम एनर्जी। आप शायद जेमिनाई, लीब्रा या एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हो, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। ओके, व्हाट एल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कुछ स्ट्रगल है, राइट, कुछ टेंशन है या क्लैशेस चल रहे हैं कुछ लोगों के बीच में। लवर्स इज हियर, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, भले ही जो भी हो, जितनी भी स्ट्रगल चल रही हो, जितनी भी नेगेटिविटी हो, इस पर्सन के, इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं एंड ऑफ कोर्स आपका ये सोलमेट कनेक्शन है। देन यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एज इन कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल होकर ये सोच रहे हैं एंड द स्टार कार्ड इज हियर। ये इंसान इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं एंड इनको ये भी पता है कि अगर इस रिलेशनशिप को हील करना है, ये चीजों को ठीक करना है, तो इनको अपनी तरफ से एफर्ट जो है वो लगाना पड़ेगा। राइट, लेट्स सी कि आपके लिए गाइडिंग मैसेजेस क्या हैं। कैंसेरियन, कैंसर सन मून राइजिंग, लव लाइफ से जुड़े गाइडिंग मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम स्पिरिट। कैंसर सन मून राइजिंग, ओके, होल्ड योर विजन, दिस इज फुल मून, प्रोबेबली अभी रिसेंट fixed moon, I mean. Okay, fixed moon is here. Then you have communication is the key and यहाँ पर भी Gemini राशि है. Gemini and Aquarius is very strong. कुछ बात करने की जरूरत है. Work through your fears. Scorpio is also here. Scorpio भी हो सकते हैं वो जिनके साथ में अभी आप deal कर रहे हो. ठीक है, आपके partner of course. A win-win outcome is forecast. This is Libra. एयर एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड आई टेक वन मोर कार्ड। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ओके, सो द स्पिरिट वॉन्ट्स टू टेल यू कैंसेरियन पीपल दैट एक तो आपके माइंड में अभी जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेके काफी हद तक ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपको बदलने की और डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज आया था टू एक्सप्रेस योर लव, दैट इज हियर,
ठीक है, अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना है, या अगर आपके माइंड में कुछ टेंशन चल रही है तो वो अच्छा रहेगा कि आप अपने पार्टनर से उस चीज के बारे में ओपन होके कम्युनिकेट कर लो, कन्वर्सेट कर लो। जो भी आपके डर है, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, उनको हटाना है अपने माइंड से। ऑफकोर्स अपने पार्टनर के साथ इस चीज के बारे में आपको डिस्कशन करनी है, एंड वॉट एवर यू डू, जो कुछ भी आप लोगों की बातचीत होगी उसका जो आउटकम है वो एक विन विन आउटकम है। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ऑफकोर्स बिलीव इन मैजिक एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन अभी इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। द यूनिवर्स, गॉड, स्पिरिट, विच एवर हायर पावर यू बिलीव इन, आपके रिलेशनशिप पे इस वक्त में काम कर रहे हैं, एंड यू जस्ट नीड टू हैव फेथ, आपको विश्वास रखना है। अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो बहुत जल्दी से नियर फ्यूचर में वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू कैंसेरियन पीपल। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू स्कॉर्पियो। हेलो स्कॉर्पियो पीपल, सबसे पहले कार्ड शफल करके आपके लिए गाइडिंग मैसेज निकालेंगे आपकी लव लाइफ से जुड़ा। ओके, लेट्स सी स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, एंड यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए वो आया है फॉरगिवनेस का। सो मैं मैसेज पढ़ देती हूँ आपके लिए। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. Manifestation से जुड़ा मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए। ओके, आई टेक टू मोर कार्ड्स, टू मोर मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग। ओके, दिस इज योर सेकेंड कार्ड, एंड यहाँ पे जो मैसेज है वो है ओनली टाइम विल टेल। सो प्रॉबेबली कुछ ऐसा सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आपको समय के साथ ही मिलने वाला है। एंड वन मोर मैसेज फॉर स्कॉर्पियो इज दिस वन, एंड यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आया है स्कॉर्पियो वो आया है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि चेंज का। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन। लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। ओके, सो कुछ चेंज चल रहा है, कुछ चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। पास्ट की एनर्जीज को पास्ट में छोड़ने की जरूरत है, पास्ट इवेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। स्पिरिट की तरफ से ये गाइडिंग मैसेज है आपके लिए, राइट। अदरवाइज आप अपना प्रेजेंट का टाइम भी पास्ट के बारे में सोचते हुए वेस्ट कर दोगे, एंड जो कुछ भी आप अभी इस टाइम में सोच रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, फील कर रहे हो, वही सब मैनिफेस्ट होके आपके फ्यूचर में आने वाला है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। एंड ऑफकोर्स अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं तो उसका आंसर जो है आपको वो समय के साथ ही मिलने वाला है। लेट्स सी रोमांस एंजल्स की तरफ से स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग। एनी गाइडिंग मैसेज, एनी मैसेज रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप फॉर स्कॉर्पियो। ओके, वी हैव हनी मून। So, मिले नहीं हो अगर आप काफी टाइम से, तो मिल सकते हो। बैक ऑफ द डेक भी हमारे पास आया है रिलीज योर एक्स। पुरानी एनर्जी, पुराने पार्टनर, शायद किसी की लाइफ में एक्स पार्टनर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम पर नहीं है तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ रीजन रहा होगा, राइट। लेट्स सी, विल टेक टू मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक एज वेल फॉर स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग। ओके, वेडिंग इज हियर, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। प्रोबेबली आप शादीशुदा हो, ठीक है, मैरिड नहीं हो तो शादी होने के चांसेस हैं उस इंसान के साथ जिसको माइंड में रख के ये रीडिंग आप देख रहे हो। ओके, एंड देन यू हैव फ्लर्ट। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। प्रॉबेबली थोड़ा सीरियसनेस बढ़ गया है आप लोगों के रिलेशनशिप में, इसलिए स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है। फ्लर्ट करने की जरूरत है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, राइट। लेट्स सी फ्यूचर की क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस तरीके से फ्यूचर को आप बेहतर कर सकते हो इस रिलेशनशिप के। व्हाट इज कमिंग इन द फ्यूचर फॉर स्कॉर्पियो।
ओके, रिलीज कंट्रोल एंड सरेंडरिंग टू द जर्नी. अगर आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा एंड सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन को. देन यू हैव बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप. कुछ अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो अपने माइंड में, कोई नया नई जर्नी अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लान कर रहे हो, या कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज़ आप अभी कर सकते हो. राइट, दिस इज़ द राइट टाइम. एंड देन वी हैव आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ. प्रॉबेबली ये मैसेज जो है ये उन स्कॉर्पियंस के लिए है जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इस वक्त बात नहीं हो रही है. देर इज़ अ चांस कि उनकी तरफ से कॉल आ सकता है आपको. राइट, कॉल आ सकता है नियर फ्यूचर में. अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि उनकी तरफ से कॉल आने वाला है एंड आप लोगों की नई जर्नी शुरू होने वाली है. इट्स जस्ट दैट आपको ट्रस्ट करना है एंड यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन. राइट, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है. प्रॉबेबली यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग. ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर के रीसेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके बारे में क्या है. स्कॉर्पियो, ओके, दो कार्ड यहाँ पे आ गए हैं स्कॉर्पियो. फर्स्ट वन इज आई डिड अ बिग मिस्टेक, मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है. राइट, उनके मन में कुछ ऐसा थॉट आया है, ऐसी फीलिंग आई है रिसेंटली. आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, आपको दोबारा से प्रपोज करना चाहते हैं या कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं. ये उसी से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन जो है स्कॉर्पियो आपके लिए आने वाला है. देन यू हैव ट्रैवल विद यू, जर्नी की बात मैं कर रही थी. तो कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं एंड ऑफकोर्स ये इंसान आपसे मिलने आ सकते हैं या कुछ कुछ मिलने के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं. राइट, ट्रैवल से जुड़ा कुछ इनके मन में थॉट आया है, किसी जर्नी से जुड़ा हुआ. एंड देन यू हैव डेंजर प्लेयर, डेंजर. एंड फाइनली ओके, मेरे बस में कुछ नहीं है अभी, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, इस तरीके के थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं. अभी फिलहाल थोड़ा सा इनका माइंड या इनकी फीलिंग्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है. सो अगर आप इनसे कुछ बहुत बड़ा डिसीजन या एक्शन अभी इस मोमेंट में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो अभी नहीं होने वाला है. बट यस, नियर फ्यूचर में डेफिनेटली होगा. राइट, ओके, लेट्स सी इनकी करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं टैरो के थ्रू. ओके, वी हैव फोर ऑफ कप्स हियर. दैट मींस कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है. बट ये जहां पर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, यू प्रोबेबली डीलिंग विद अनदर स्कॉर्पियो, कैंसेरियन और पाइसेस. ओके, देन यू हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. दिस इज ऑल्सो अबाउट अ जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, शायद आपसे दूर रहते हैं ये. एंड यहाँ पर भी मैं एक कपल देख रही हूँ, यहाँ पे बच्चा भी है, मैरिड है शायद. Probably one of you is married. Then you have five of pentacles. कोई किसी को छोड़ के गया है, abandonment issues हैं किसी के साथ में, commitment issues हैं. Right? Strength, ये चाहते हैं कि आप patience रखें. ठीक है, आप इनके साथ में patience रखें. And then finally, what do we have? 10 of pentacles. So this is the final outcome. चाहते हैं हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी फैमिली, सपोर्ट चाहते हैं अपनी फैमिली का. अगर आप मैरिड हो, देन ऑफकोर्स एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, ये आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस चाहते हैं अपने आसपास में. नहीं मैरिड हो तो इस रिलेशनशिप को मैरिज तक ले जाना चाहते हैं डेफिनेटली. एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे कि आप इनके साथ में पेशेंस रखो, बिकॉज शायद काफ़ी कुछ चीज़ें इनके पास्ट में हो चुकी हैं नेगेटिव, जिसको ये लेट गो नहीं कर पाए हैं. हो सकता है कि ये इनमें से कुछ एक्सपीरियंसेस आपके और इनके रिलेशनशिप के ही हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा डिले हो रहा है, चीज़ों में थोड़ा सा डिले हो रहा है, या कुछ प्लान्स हैं जो शायद पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं.
right? Yes. Okay, let's see. Let's see, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज है. गाइडिंग मैसेज फॉर स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग. अभी इस टाइम पे क्या मैसेज है फॉर स्कॉर्पियो. लुक एट द बिगर पिक्चर. फुल मून इन सेजिटेरियस. शायद आपके पार्टनर जो है वो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं. ओके आप शायद किसी एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो या किसी एक बहुत छोटी सी चीज के ऊपर अपने आप अपने माइंड को आपने फिक्सेट किया हुआ है. कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. यहाँ पर लियो है, राइट. फेथ रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है आपको. स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ डिसीजन या कुछ एक्शन लेना है इस टाइम पे आपको, राइट. प्रॉबेबली कुछ ऐसा है, कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत टाइम से पोस्टपोन होती चली जा रही है. द स्पिरिट इज टेलिंग यू कि आप पहले होके स्टेप ले लो. कम्युनिकेशन इज द की. अगर बात नहीं हुई है बहुत टाइम से देन प्रॉबेबली आप पहले होके बात कर लो उनसे, ठीक है. एंड दिस इज जेमिनाय. एंड फाइनली वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. तो जो भी सपने हैं आपके, जो भी डिजायर्स हैं आपके इस रिलेशनशिप से जुड़े, उस पर आपको विश्वास रखना है. एंड डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक टाइम आएगा जब वो सब कुछ सच होगा, मैनिफेस्ट होगा. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है. लुक एट द बिगर पिक्चर. आपके लिए मेन जो गाइडिंग मैसेज आया है स्कॉर्पियो वो यही आया है. एंड गाइज दिस इज द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा. इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. एंड इफ यू वांट यू कैन कांटेक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स एज वेल. बट पर्सनल रीडिंग के लिए आपको 18 इयर्स एंड अबव होना जरूरी है. एंड सेकेंडली पर्सनल रीडिंग्स आर नॉट फ्री. ओके दैट्स इट. लेट्स मूव ऑन टू पाइसेस. नमस्ते पाइसेस. दिस इज गोइंग टू बी द रीडिंग फॉर यू. एंड सबसे पहले लवर्स ओरेकल से आपके लव लाइफ के लिए गाइडिंग मैसेजेस मैं निकालूंगी. आई विल टेक आउट थ्री कार्ड्स फॉर पाइसेस सन मून और राइजिंग. ओके लेट्स टेक दिस वन. दिस इज व्हाट द कार्ड लुक्स लाइक. एंड यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए वो है लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकल्स. व्हेन वी रिजिस्ट चेंज वी रिजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस. गो विद द फ्लो यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स. प्रॉबेबली कुछ चीजें बदल रही हैं आपके रिलेशनशिप में एंड आप बहुत ज्यादा शायद कंफर्टेबल नहीं हो उन चेंजेस से. एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड. और यहाँ पे जो मैसेज आया है आपके लिए वो है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस. लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर. यस एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म. ओके लेट्स टेक वन मोर कार्ड फॉर पाइसेस सन मून और राइजिंग. I'll take this one. This is what the card looks like. And यहाँ पे message जो आपके लिए आया है वो है it is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. So these are the guiding messages for you, Pisces, from the Lovers Oracle deck. And let's see romance angels क्या कहते हैं आपकी love life के बारे में. Pisces, Sun, Moon और Rising क्या मैसेज है इस करंट रिलेशनशिप के लिए एंड लव लाइफ के लिए. ओके हनीमून. कुछ कपल्स हैं जो एक दूसरे के साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं. एंड देन यू हैव रिट्रीट. इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. ओके सो आप अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हो, स्पेशली इफ यू आर मैरिड. कैसी अ मैरिड कपल हियर. एंड शायद कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो मिलने के लिए कुछ प्लान बना सकते हैं. पाइसेस के लिए थर्ड कार्ड आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का. सो जिनको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है. यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. ओके लेट्स सी फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं इस करंट कनेक्शन के लिए. फ्यूचर क्या है. Narrow pathway, tread thoughtfully.
प्रॉबली ये जो टाइम इस वक्त चल रहा है थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए. इस वक्त में जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो, जो कुछ भी बातें आप कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के उस चीज़ में आगे बढ़ना है. इनफाइनाइट अबंडेंस, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ. आपके इस रिलेशनशिप में काफ़ी अबंडेंस जो है वो आने वाली है. ओके एंड व्हाट एल्स, पाइसेस वी हैव वाइज लीडर, यू आर अ बीकन फॉर अदर्स. आप दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पलरी पर्सन हो और उसी तरीके से आपको अपने रिलेशनशिप, अपनी लाइफ को भी उसी तरीके से लीड करना है. राइट, आई बिलीव आपके हाथ में ज़्यादा पावर आने वाली है व्हेन वी कंसिडर दिस रिलेशनशिप. अगर अभी तक आप सप्रेस एनर्जीज में थे तो आप डोमिनेटिंग एनर्जीज में आ सकते हो. ठीक है, एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर के रीसेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके बारे में क्या रहे हैं. I'll take one card and यहाँ पे पहला कार्ड आया है आपका म्यूजिकल मेमोरीज का. ठीक है, कोई ऐसा गाना है, कोई म्यूजिक से जुड़ा कुछ है ऐसा आप लोगों के रिलेशनशिप के साथ जो रेजोनेट करता है. राइट, वो उन्होंने अभी कुछ ऐसा सुना है, कोई गाना सुना है या पुराना कोई गाना जो शायद उन्होंने आपको कभी डेडिकेट किया होगा वो सुना है, वो सुन के फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स ट्रिगर हुई हैं. मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं इस टाइम पे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं. ओके, डेंजर प्लेयर, डेंजर, कुछ लोगों को बच के चलने की जरूरत है. फॉर पाइसेस वी हैव बियर्ड, फिजिकल फीचर है, हो सकता है कि आपके पार्टनर की बियर्ड हो. व्हाट एल्स, लव यू, इमोशनल कनेक्ट इज स्ट्रांग. एंड वी हैव, मैं सही समय पर समझ नहीं पाया या सही समय पर समझ नहीं पाई, कुछ ऐसा है जो जिसकी वजह से उनको रिग्रेट हो रहा है. राइट, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि सेपरेशन में हैं एंड आपके पार्टनर जो है वो अभी हर्मिट वाली एनर्जीज में चले गए हैं, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं. ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने कहा है या किया है उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं. एंड यस, देर इज रिग्रेट, रिग्रेट है. इमोशनल कनेक्ट ऑफकोर्स काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन कुछ चीज़ों को लेके पछतावा है. ओके, लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में. टेक दिस कार्ड, दिस इज एम्प्रेस नंबर 3. व्हाट एल्स इज हियर फॉर पाइसेस, नाइट ऑफ कप्स. आप शायद कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के साथ में ही डील कर रहे हो, हो सकता है कि आप दोनों ही पाइसेस हो. नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई लीब्रा एंड एक्वेरियस एनर्जी. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन एयर साइन है, जेमिनाई लीब्रा एंड एक्वेरियस आपके पार्टनर की राशि हो सकती है. एंड यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. ओके, सो फर्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप काफी मैटर करता है. कुछ डिसीजन या कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं बट उनको डर है कि अगर मैं ये ऑफर या ये डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ तो आगे चल के कुछ हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वर्बल फाइट हो सकती है, क्लैशेस हो सकते हैं. राइट, बिकॉज आप उनकी नज़र में आप ऐसे हो, वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन से, आपको क्या चाहिए उनसे. एंड अगर आपकी नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं हुई तो कुछ आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली आप लोगों के बीच में हो सकता है. एंड प्रोबेबली इसी चीज़ को लेके ये कन्फ्यूजन जो है आपके पार्टनर के माइंड में आ रहा है. ओके, लेट्स सी स्पिरिट की तरफ से पाइसेस आपके लिए गाइडिंग मैसेज क्या है. पाइसेस सन, मून और राइजिंग, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून. दैट मीन्स सिचुएशन अभी जो कुछ भी चल रही है आगे बदल सकती है. लुक एट द बिगर पिक्चर, यहाँ पे सेजिटेरियस है, हो सकता है कि आपके पार्टनर की राशि सेजिटेरियस हो. लुक एट द बिगर पिक्चर, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, यू डोंट हैव टू लूज योर कॉन्फिडेंस.
नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से खुद पर डाउट नहीं करना है. योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ एंड दिस इज न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न. आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप में वो आपके काम आने वाले हैं. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. पाइसेस वैसे भी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा तेज होती है, सपने बहुत देखते हैं और उन्हीं सपनों पे आपको विश्वास भी रखना है. देर विल बी अ टाइम व्हेन ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू. जो कुछ भी आपने दिल से अगर इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाया है, दिल से आप इस पर्सन को चाहते हो, तो वो चीज़ जो है डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करोगे. एंड कुछ नेगेटिव अगर ऐसा चल रहा है जिसको लेके आप फील कर रहे हो कि बहुत टाइम से सिचुएशन ऐसी ही है, कुछ बदल नहीं रहा है, तो आप चेंजेस आने वाले हैं. छोटी सी किसी टेंशन या छोटी सी किसी प्रॉब्लम के ऊपर अगर आपने अपने माइंड को फिक्सेट किया हुआ है, देन ऑफकोर्स यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर, राइट. एंड यस, कॉन्फिडेंस अपना डाउन नहीं होने देना है पाइसेस, नो मैटर वॉट. ओके, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा. और इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.